नेहरू युवा केंद्र विकासखंड स्तरीय दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 5 प्रकार के खेल गतिविधियां हुई। पहले दिन बालिका और दूसरे दिन बालक वर्ग का खेल आयोजन हुआ, जिसमें खो खो में जय श्री श्याम टीम झिरनिया विजेता रही, जिसमें खेल और कल्याण विभाग आशीष गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गोलू किराड़े, इमेश कमरे, शेख सर आदि मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खेल आयोजन का आदर्श शिक्षण निकेतन में समापन हुआ। अतिथियों के द्वारा मेडल और पुरस्कार वितरण किया गया। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। झिरनिया तहसील का राष्ट्रीय स्वयंसेवक गोलू किराड़े हूँ और हमारी संस्था का नाम है नेहरू युवा केंद्र संगठन। इस संस्था का मेन उद्देश्य ये रहता है कि ये जो युवा रहते हैं उनमें कुछ गतिविधियाँ कराई जाए, जिससे कि युवा देश के प्रति अपनी लगन लगा से देश सेवा कर सके और अच्छा खिलाड़ी बन सके। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है दिल्ली की, नेहरू युवा केंद्र संगठन, जिसमें 5 तरह की आज गतिविधियाँ कराई गई है। खो खो, कबड्डी और रनिंग और लंबी कूद, ये इतनी प्रतियोगिताएं कराई जा रही है, जिससे इसका मेन उद्देश्य है कि युवा जो आगे बढ़े और उत्साह के साथ खेल के प्रति आगे बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। कितने दिवसीय खेल गतिविधि थी सर? ये 2 दिन का है। इसमें विजेता टीम कौन सी रही है? विजेता टीम जैसी शाम झिरनिया की रही है। ठीक है, आपका नाम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।